डू दे रिपेल, ये भी नेगेटिव है तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, दे रिपेल इच अदर। अच्छा अब अगर हम यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव कर दें और हम अगर एक चार्ज नेगेटिव कर दें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही इसलिए करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट हैं, है ना, दे आर नाउ नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, बेसिकली कोई भी चार्ज होता है, से लेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इसके चारों तरफ है, इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेते हैं फील्ड लाइंस का। ये लाइंस आपको स्पेस में दिखेंगी कहीं नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, या ये कह सकते हैं एक मॉडल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं, इस पर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बड़ा ही ईजी है। देखो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, सो दैट इज अवर मेन चार्ज, ठीक है, दिस इज अवर मेन चार्ज। और अगर हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट चार्ज। तो अगर हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज है इससे रिपेल होगा और ये दूर जाएगा, राइट, सो इट विल गो। तो ये जिस पाथ को ट्रेस करेगा दूर जाते वक्त, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये सीधी पाथ में ही जाएगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो पाथ को जो ट्रेस कर रहा है ना, तो ये जो पाथ है जिसे ये ट्रेस कर रहा है, इस पाथ को ही एक्चुअली में, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं फील्ड लाइन्स, दीज आर कॉल्ड फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब ये फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती है, मतलब ये जो पाथ है ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ये कर्व के फॉर्म में भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर हम उसके पास में एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो वो जो टेस्ट चार्ज जिस पाथ को ट्रेस करेगा दैट इज द फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो बहुत ईजी था कि मैंने एक टेस्ट चार्ज रख, मतलब एक चार्ज रखा हो, यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा जिसके ये एकदम क्लियर था कि एकदम स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो टेस्ट चार्ज को, तो ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके तरफ चारों तरफ जो फील्ड होगा ना वो इस तरह का होगा, सो इट विल बी लाइक दिस, आया समझ में। तो इस तरह से होता है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अच्छा, क्योंकि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा दूर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो हमेशा बाहर की तरफ जाती है, दे ऑलवेज गो आउटसाइड, है ना, वो हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ भागती है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं और अगर हम कोई टेस्ट चार्ज इसके सामने यहाँ रखते हैं, तो ये चार्ज इसके अंदर आएगा, तो फील्ड लाइंस क्या है, अंदर की तरफ हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, ओके। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, तो ये जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर आएगा, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सेंटर की तरफ आएगा, है ना। इसी तरह अगर और कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो वो यहाँ आएगा, कोई और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा वो यहाँ आएगा, और कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा वो यहाँ पर आएगा, है ना। तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसका जो फील्ड लाइंस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, मतलब इसमें इनवर्ड्स होते हैं। और उसी में अगर यहाँ पर अगर आप देते हो फील्ड लाइंस, तो ये आउटवर्ड्स होते हैं। तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होंगे, इनवर्ड्स होते हैं, डिसाइड करता है हमारा टेस्ट चार्ज। और हम जो टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज को हमेशा
पॉजिटिव ही लिया जाता है, इस बात का खास ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पाथ ट्रेस करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक और अच्छा लाइन एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर है एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली फील्ड लाइंस, अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ, ऐसे ऐसे। यहाँ पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो ऐसे ट्रेवल करता है। तो बेसिकली जो चार्ज है इस तरह से ट्रेवल करेगा, तो ये हमारी फील्ड लाइंस हो जाती हैं। सो दीज आर द फील्ड लाइंस। तो जो फील्ड लाइंस हैं आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर ये एंड हो जाती हैं। तो बच्चों फील्ड लाइन क्या होती हैं, तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो लेट मी जस्ट राइट ए वेरी नाइस डेफिनेशन ऑफ दिस। सो दिस इज द फील्ड लाइन is a smooth curve in an electric field, in an electric field, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखें बच्चों, जब भी हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जिस भी पॉइंट पर हमें, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। तो जो टेंजेंट होता है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, है ना। सो इस बात का ध्यान रखें, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं,